नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। हम LLB प्रथम वर्ष का सब्जेक्ट मुस्लिम विधि मॉडर्न लॉ स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम विधि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फैमिली लॉ का। मुस्लिम विधि है क्या? मुस्लिम विधि को फैमिली लॉ में पढ़ते हैं। हिंदू विधि और मुस्लिम विधि दोनों विधि फैमिली लॉ में आते हैं। मुस्लिम विधि को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मुस्लिम विधि किस पर अप्लाई होती है, यानी मुस्लिम विधि से शासित कौन होते हैं। प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति मुस्लिम विधि से शासित होता है। ये उसकी व्यक्तिगत विधि यानी शरीयत लॉ के साथ साथ चलती है। शरीयत लॉ व्यक्तिगत विधियां होती हैं और मुस्लिम विधि उसके समांतर चलती है। यानी मुस्लिम विधि किस पर लागू होती है? मुसलमान पर मुस्लिम विधि लागू होती है। मुसलमान कौन होता है? मुसलमान वो व्यक्ति होता है जो इस तौहीद में विश्वास करता है। तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। यानी विधि के अनुसार जो इस कलमे में, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब इनके रसूल या पैगंबर है, जो इस कलमे में विश्वास करता है विधि के अनुसार वो मुसलमान है। उसका मुस्लिम परिवार में जन्म लेना या उसका धर्म परिवर्तन करना कोई मायने नहीं रखता। यानी अन्य धर्म से भी अगर वो कन्वर्ट होके आता है और इस कलमे में विश्वास कर लेता है तो विधि के अनुसार वो मुसलमान माना जाएगा और मुस्लिम विधि उस पर लागू की जाएगी। यानी मुसलमान कौन है? जो ये विश्वास करे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है, वो मुसलमान है विधि के अनुसार और मुस्लिम विधि उस मुसलमान व्यक्ति पर लागू होती है। मुस्लिम विधि एक व्यक्तिगत विधि मानी जाती है। अब मुस्लिम विधि का उद्भव कहाँ से हुआ, मुस्लिम विधि कहाँ से आई, इसको देखने के लिए हमें पहले मुस्लिम विधि की हिस्ट्री देखनी होती है, उसका इतिहास जानना होता है। तो जैसे कि मुसलमान वाला जो मैंने कलमा बताया कि ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब इसके पैगंबर है, यानी मोहम्मद साहब जो पैगंबर हुए थे उनके द्वारा मुस्लिम विधि को विकसित किया गया या इनके द्वारा मुस्लिम विधि का विकास किया गया, प्रारंभ की गई थी। तो मुस्लिम विधि के हिस्ट्री को देखने के लिए हम मुस्लिम विधि के विकास या हिस्ट्री को दो चरणों में बांटते हैं। सबसे पहले मोहम्मद साहब के आगमन से पहले मुस्लिम विधि कैसी थी, क्या थी? मोहम्मद साहब के आगमन से पहले मुस्लिम विधि का विकास नहीं हुआ था। ज्यादातर जो मुसलमान थे वो अरब देशों में रहते थे। अरब देशों में यानी शामी वंश के वंशज थे जो अरब देशों में रहते थे। अरब देशों में रहने वाले मुसलमानों को मुस्लिम विधि जैसा कोई ज्ञान नहीं था। वो वहां पर कबीला प्रथा व्यतीत करते थे, यानी कबीलों में रहते थे। ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो कबीलों में रहते थे। कबीलों में रहने के कारण उनमें क्या है, युद्ध ज्यादा होता था। एक दूसरे से वो कबीलों में युद्ध करते थे और मुखिया होता था, हर एक कबीले का एक मुखिया होता था जो वहां का शासन चलाता था। और अरब देशों में रहने के कारण उन मुस्लिम व्यक्तियों की, यानी उन अरब के निवासियों का जीवन क्या अत्यंत कठोर था। मरुस्थल में रहने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और व्यापार की पद्धति उनमें ज्यादा थी। व्यापार करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पलायन करते थे। उस समय
वहाँ जो अरब देशों में रहते थे शामी वंश के जो वंशज थे उनमें बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा का चलन भी था, मूर्ति पूजा का चलन था। और अरब देशों में रहने वाली महिलाओं की स्थिति बद से बेहतर थी, उनको कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। उस समय अरब में बहुविवाह का प्रचलन बहुत अधिक था, एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 शादियां करता था और महिलाओं को एक खरीद फरोख्त की वस्तु के समान माना जाता था। महिलाओं की हत्या या मर्डर आम बात थी, यानी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। मुसलमानों की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। वो सिर्फ क्या करते थे, व्यापार करते थे अरब देशों में और युद्ध छापामार पद्धति और युद्ध के द्वारा अपना जीवन बसर करते थे। धार्मिक भावना उनमें बहुत ही कम थी, थी ही नहीं, थोड़ी बहुत थी तो वो मूर्ति पूजा के रूप में अपनी धार्मिक भावना व्यक्त करते थे। ये था मोहम्मद साहब के आगमन से पहले इस्लाम की स्थिति या मुसलमानों की क्या स्थिति थी। मोहम्मद साहब सेकंड ट्रेन आता है मोहम्मद साहब के आगमन के बाद। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब के दादा का नाम मुतालिब था। इनके 10 पुत्र थे, मुतालिब यानी इनके दादा थे मोहम्मद साहब के, उनके 10 पुत्र थे। 10 पुत्र में से एक पुत्र का नाम था अब्दुल्ला जो मोहम्मद साहब के फादर थे, पिता थे। अब्दुल्ला की मृत्यु मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। मोहम्मद साहब का जन्म होने से पूर्व उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद साहब के जन्म के बाद उनकी मदर अमीना ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन माता की मृत्यु भी उनके बाल्यकाल में ही हो गई थी। इसके बाद में मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके दादा ने किया, मुतालिब ने, जिनकी मृत्यु, मोहम्मद साहब जब 2 साल के हुए थे तब उनके दादा की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया, यानी बहुत ही कठिनाइयों से मोहम्मद साहब का पालन पोषण हुआ। मोहम्मद साहब बचपन से ही, बाल्यकाल से ही गहन अध्ययन करने वाले, सोच रखने वाले व्यक्ति हुए थे। 25 साल की एज में उन्होंने मक्का में हीरा नाम की गुफा में एक गहन अध्ययन किया, जहां पर उन्हें अल्लाह के दूत जिब्राइल अलैहि सलाम यानी जिब्राइल पैगंबर, जिब्राइल अल्लाह के दूत थे, जिन्होंने उस हीरा नाम की गुफा में मोहम्मद साहब को एक दैवीय संदेश सुनाया था। यानी अल्लाह के जो संदेश थे डायरेक्ट जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब को हीरा नाम की गुफा में प्राप्त हुए थे 25 वर्ष की एज में। वो संदेश जब से प्राप्त हुए थे तब से मोहम्मद साहब पैगंबर कहलाने लगे, पैगंबर वो तभी से कहलाए थे। मोहम्मद साहब ने उन दैवीय संदेशों को मक्का में समय समय पर प्रचार प्रसार किया, लेकिन मक्का में उस समय बुत परस्ती, मूर्ति पूजा थी, अंधविश्वास था, छापामार युद्ध पद्धति थी, तो मोहम्मद साहब के उन दैवीय संदेशों को मक्का शहर के लोगों ने माना नहीं। ये मक्का शहर अरब में है, मोहम्मद साहब के संदेशों को माना नहीं और वहां से उन्हें निकाल दिया, यानी वहां पे उनके कोई शागिर्द शिष्य नहीं हुए थे। मोहम्मद साहब मक्का से निकाले जाने के बाद में मदीना की ओर पलायन किया, यानी हिज्र किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन करना हिज्र करना कहलाया। तो हिजरी सन यानी मुस्लिम, जो जैसे हिंदुओं में विक्रमी संवत है वैसे ही मुसलमानों में हिजरी संवत है,
हिजरी सन है, तो मक्का से मदीना जब मोहम्मद साहब गए थे पलायन किया या हिजर किया, उस समय से हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। मक्का में उन्होंने अपने दैवीय मोहम्मद साहब ने अपने दैवीय संदेश लोगों को फैलाए, समय समय पे प्रचार प्रसार किया। मक्का के लोगों ने मदीना शहर के लोगों ने उन दैवीय संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात किया और मोहम्मद साहब की शिक्षा को माना और मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए संदेशों को फॉलो किया। मदीना शहर में मुस्लिम विधि का ज्यादातर विकास कहाँ पे हुआ? मदीना शहर में हुआ। ये भी अरब देश में ही है मदीना शहर। मदीना में मोहम्मद साहब के बहुत सारे शिष्य हुए जिन्होंने मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए दैवीय संदेशों को या ईश्वरीय ज्ञान को या उनके संदेशों को यानी इस्लाम धर्म को वहां पर फैलाया और मुस्लिम विधि का इस तरह मोहम्मद साहब के द्वारा आगे आगे विकास किया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु अंतिम अपने मोहम्मद साहब के जीवन काल के अंतिम क्षणों में वो कुछ समय के लिए राजगद्दी पर भी आसीन रहे थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु यानी उन्होंने दुनिया से पर्दा किया था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी 670 ईस्वी में। 670 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद साहब ने क्या है, इस्लाम धर्म को वहां तक फैलाया। लेकिन मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खलीफा पद के लिए जो लड़ाई हुई, खलीफा पद यानी उनके उत्तराधिकारी के लिए जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई ने मुसलमान संप्रदाय को दो भागों में बांट दिया, शिया और सुन्नी। शिया शाखा और सुन्नी शाखा यानी दो संप्रदायों में वो विभाजित हो गए। मुसलमान थे वो दो भागों में विभाजित हो गए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफत यानी उत्तराधिकारी के लिए जो लड़ाई हुई उसमें दो भाग बटे, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी कौन थे और शिया कौन थे, कौन कहलाए शिया और कौन कहलाए सुन्नी, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि खलीफा क्या था, उत्तराधिकार था। यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उस राजगद्दी पर आसीन कौन होगा, यानी खलीफा का पद कौन धारण करेगा। मोहम्मद साहब की पुत्री बेटी फातिमा थी, फातिमा, और उनके फातिमा के जो हस्बैंड थे वो कौन थे, अली थे। अली यानी मोहम्मद साहब के दामाद थे अली। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद फातिमा यानी उनकी बेटी ने कहा कि खलीफा का जो पद है वो उत्तराधिकार यानी वंशानुगत भरा जाना चाहिए, मोहम्मद साहब के वंश के ही व्यक्तियों को खलीफा का पद प्राप्त होना चाहिए। तो मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा ने अपने पति यानी अली को फर्स्ट खलीफा बनाया और ये जो खलीफा का पद क्या वंशानुगत भरना चाहते थे ये कहलाए शिया सखा कहलाए। और दूसरी तरफ मोहम्मद साहब की एक बेवा यानी उनकी विधवा आशिया बीवी थी, आशिया बीवी, जो ये चाहती थी कि खलीफा का पद वंशानुगत नहीं भरा जाना चाहिए बल्कि खलीफा का जो पद है वो निर्वाचन के आधार पे यानी जो सक्षम व्यक्ति हो, योग्य व्यक्ति हो, उसी को निर्वाचन करवा के भरा जाना चाहिए। तो फर्स्ट खलीफा कौन होते वैसे तो वंशानुगत भरते तो अली होते, लेकिन आशिया बीबी ने कहा कि जो खलीफा का पद है वो निर्वाचन के आधार पे भरा जाना चाहिए। तो आशिया ने अपने फादर अबू बकर यानी मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर को फर्स्ट खलीफा बनाया, यानी जो निर्वाचन के आधार पर भरना चाहते थे खलीफा का पद वो कौन कहलाए, वो सुन्नी शाखा कहलाई, सुन्नी शाखा कहलाई। तो सुन्नी शाखा का फर्स्ट खलीफा कौन बना, अबू बकर बना। सेकंड खलीफा कौन बना, उमर बने। थर्ड खलीफा उस्मान बने। सुन्नी शाखा में फर्स्ट खलीफा अबू बकर, सेकंड खलीफा उमर और थर्ड खलीफा बने उस्मान।
अबू उस्मान बने। ये तीन खलीफा बने सुन्नी में, और शिया में फर्स्ट खलीफा कौन बने? अली, जो फातिमा के हस्बैंड थे। सेकंड खलीफा और थर्ड खलीफा अली के ही पुत्र थे, यानी मोहम्मद साहब के दोहित्र थे, नाती थे, हसन और हुसैन। हसन फर्स्ट सेकंड खलीफा बना और थर्ड बने हुसैन। हसन और हुसैन को अमोदिया वंश के लोगों के द्वारा कर्बला के मैदान में उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस समय से ही ये ताजिया वगैरह जो है हसन और हुसैन की याद में मनाए जाने लगा। इस तरह मुस्लिम दो संप्रदायों में विभक्त हो गए, शिया और सुन्नी में। आगे की क्लास में हम शिया और सुन्नी में क्या मेन अंतर है, उनमें किन किन बातों को लेकर अंतर किया गया, वो देखते हैं। थैंक यू सो मच।